हेलो गाइस एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो जिस बारे में है या जिस इंसान के बारे में है वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का यूथ उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जिस इंसान ने 24 साल की उम्र में अपने देश के लिए मुस्कुराते हुए बलिदान दे दिया, उसके बारे में आज का यूथ रत्ती भर भी नहीं जानता। आज हम बात करेंगे उनकी, जिन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने कार्यों की वजह से प्रख्यात होना चाहिए था, लेकिन उन्हें अपने ही देश में आज तक भारत रत्न नहीं मिला। आज हम बात करेंगे द लेजेंड शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। तो आज का कोट ऑफ द डे कहा है ऑब्वियसली भगत सिंह ने, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डेफ हियर। जब मैं भगत सिंह का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है कि एक नौजवान जिसके हाथ में एक पिस्तौल है और उसके ज़ुबान पे इनकलाब जिंदाबाद, या अजय देवगन? अगर आपके दिमाग में भी यही इमेजेस आती हैं तो आप भगत सिंह के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। भगत सिंह वॉज मोर देन अ रेवोल्यूशनरी, वो एक क्रांतिकारी से बहुत कुछ ज़्यादा थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 5 चीज़ों पर जो आप नहीं जानते भगत सिंह के बारे में। साइड नोट गाइस, एंड में मैंने अपना ओपिनियन दिया है, प्लीज़ उसे देख के ही जाना एंड में, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी आपके लिए भी, तो प्लीज़ देख लीजिए। ओके, कंटिन्यू द वीडियो। पंद्रह साल की उम्र में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज को ज्वाइन किया। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। वो एक अच्छे एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने कई प्लेज यानी नाटक में काम किया था। उनमें से कुछ प्लेज के नाम हैं राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा। कई लोगों को ये नहीं पता कि भगत सिंह एक एथीस्ट यानी नास्तिक थे। उन्होंने इस टॉपिक पे एक किताब भी लिखी, Why I am an Atheist, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने इस किताब में लिखा, I deny the existence of the Almighty Supreme Being, मैं भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारता हूँ। भगत सिंह ने अपनी किताब में यह भी सवाल उठाया कि जो आपका ईश्वर है वह तो सर्वशक्तिशाली है, तो वह किसी आदमी को पाप या अपराध करने से क्यों नहीं रोकता, वह तो यह सब कुछ बहुत आसानी से कर सकता है। उसी किताब के अंत में उन्होंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया जहाँ उनका एक दोस्त उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहता है, लेकिन वह अपनी नास्तिकता के बारे में उसे बताते हैं। तब वह कहता है, अपने अंतिम दिनों में तुम भगवान में मानना शुरू कर दोगे। मैंने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। यह मेरी तरफ से गिरावट और विकृतिकरण का यानी डीमोरलाइजेशन का कार्य होगा। मैं अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह घमंड है? अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए खड़ा हूँ। भगत सिंह ने अपनी किताब में अपने नास्तिक होने के कुछ कारण भी बताए, जैसे उनके दादाजी आर्य समाज से बिलोंग करते थे, और उन्होंने यह भी लिखा कि वह बकुनिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और बाकी सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने देश में क्रांति लाई, वह सब नास्तिक थे यानी एथीस्ट थे। अब इस बात से जाते हैं हम अगले पॉइंट पर। भगत सिंह सोशलिज्म में बिलीव करते थे, वह मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से ताल्लुकात रखते थे। उनकी इस पॉलिटिकल ग्रोथ का कारण था द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर, जहां मिड 1920s में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की लिटरेचर बहुत थी और वहीं से उनके मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई। भगत सिंह मानते थे कि सोशलिज्म ही फ्यूचर है। वह जिस ऑर्गेनाइजेशन में थे, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने इस नाम में सोशलिज्म ऐड करने का सजेशन दिया था और इस मांग को पूरा भी किया गया। भगत सिंह अपने साथियों को कॉमरेड बुलाते थे। भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में कई बार लेनिन, कार्ल मार्क्स और ट्रॉट्स्की को कोट किया है। अपने जीवन के आखिरी दिन यानी जिस दिन उन्हें फांसी दी जाने वाली थी, उस दिन भी वह लेनिन की कोई किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह वॉज एन एविड रीडर, वह बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, बहुत यानी बहुत। एस्टिमेट ये किया जाता है जब तक वह स्कूल में थे यानी 1913 से लेकर 1921 तक उन्होंने 50 किताबें पढ़ी। अपने कॉलेज टाइम से अरेस्ट होने तक उन्होंने 200 किताबें पढ़ी।
और अपने जेल के दिनों में यानी 716 दिनों में उन्होंने 300 किताबें पढ़ी, यानी अपने जीवन के 23 साल 5 महीने और 25 दिनों में उन्होंने 550 किताबें पढ़ ली थी। इसलिए मैं कह रहा था बहुत। मन्मथनाथ गुप्ता जो भगत सिंह के करीबी एसोसिएट थे, उन्होंने लिखा था कि जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तब वह लेनिन की लिखी हुई या लेनिन पर कोई किताब पढ़ रहे थे। तब भगत सिंह ने कहा कि थोड़ी देर रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। लेकिन भगत सिंह ने सिर्फ किताबें पढ़ी ही नहीं थी, उन्होंने कई किताबें लिखी भी थी। भगत सिंह एक राइटर भी थे। शिव वर्मा जो भगत सिंह के कॉमरेड थे जेल में, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह ने जेल के अंदर 4 किताबें लिखी, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ऑटोबायोग्राफी, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, एट द डोर ऑफ द डेथ। ये चारों किताबें और कई और राइटिंग्स जेल के बाहर स्मगल कर दी गई लज्जावती के थ्रू। इन सब राइटिंग्स को कुमारी लज्जावती ने बिजॉय कुमार सिन्हा को 1938 में दे दिया जब वह अंडमान जेल के बाहर आए थे। फिर सिन्हा ने यह पेपर्स किसी अननेम्ड दोस्त को दे दिए और उसने पुलिस के रेड के डर के मारे ये सारे पेपर्स जला दिए। अब हमें यह तो नहीं पता कि उन किताबों में या उन पेपर्स में क्या लिखा था, लेकिन हमारे पास जो अभी मौजूद उनकी विरासत है उसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भगत सिंह की बची हुई विरासत को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है Amazon Kindle का, जाइए वहाँ पे उनकी जेल डायरी एंड अदर बुक्स करके कंपाइल्ड बुक है, उसे पढ़िए। वो बहुत ही बढ़िया बुक है और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एक वेबसाइट है shahidbhagatsingh.org, वहाँ पे उनके बहुत सारे आर्काइव्स, आर्टिकल्स, लेटर्स सब हैं, फोटोज़ हैं, सब आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के इन माय ओपिनियन में हम बात करेंगे भगत सिंह और आज के यूथ के बारे में। भगत सिंह जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था, हम उनसे कुछ भी नहीं सीखे। उन्होंने जो बची हुई विरासत छोड़ी है उसे भी हमने नहीं पढ़ा। हम तो उनके बारे में आधी जानकारी तक नहीं जानते, बस हम उन्हें 2 दिन याद करते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी और शहीद दिवस पे। उससे भगत सिंह से बहुत कुछ सीखना है, उनकी किताबों को ज़रूर पढ़ना है। और मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ जाके पढ़िए, क्योंकि आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा जो आज के यूथ में बहुत लैक कर रहा है। आज का यूथ लगा पड़ा है सोशल मीडिया पे वैलिडेशन देने के लिए, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, इतने लोग मुझे जानते हैं। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। भगत सिंह ने कोई चीज़ फॉलोअर्स जमा करने के लिए नहीं की थी। ही नेवर थॉट ट्वाइस बिफोर डूइंग इट, बट ही वॉज स्मार्ट इनफ टू थिंक वंस एंड डिसाइड वॉट ही वॉन्टेड टू डू। ही लर्नड, उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी तब जाके वो बने जो वो बन चुके हैं। वो 24 साल की उम्र में एक लेजेंड बने। आज का 24 साल का लड़का क्या कर रहा है? वो विंग्स में बैठा है कि मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं राइट विंग हूँ और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सोशल मीडिया पे हमारी एक पसंद है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, दूसरों को हम गाली देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके पॉलिटिकल लीनिंग या उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे उस पर विश्वास करो, आप वो मत करो। आप उनकी तरह सीखना तो सीखो पहले। उन्होंने ज़िंदगी में 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली, तुमने कितनी पढ़ी है? हाउ मच हैव यू लर्न्ड? कितने बुक्स पढ़ ली आप? जब आप बुक खोलेंगे, जब उनकी किताब पढ़ेंगे, मैंने उनकी किताब 2 बार पढ़ी है और जितनी बार मैं पढ़ता हूँ मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखता हूँ। भगत सिंह ने हमें क्रिटिसिज्म करना सिखाया। वो महात्मा गांधी तक को क्वेश्चन करते थे, उन्होंने भगवान तक को क्वेश्चन किया, क्योंकि उन्हें पता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है और सीखते तभी हैं जब आप सवाल पूछते हैं। वो चीज़ों में बिलीव तभी करते थे जब वो उस चीज़ को पढ़ते थे। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक वो एक आइडियोलॉजी नहीं बनाते थे। लेकिन आज का यूथ बातों में आके टीवी देखता है, वो न्यूज़ चैनल देखता है और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बना लेता है, वो कोई और चैनल देखता है अपनी किसी और चीज़ की आइडियोलॉजी बना लेता है। पढ़ना कब सीखेंगे? कब हम खुद से खुद के लिए डिसीजन लेना सीखेंगे? ये हमें भगत सिंह ने सिखाया, लेकिन हमें नहीं सीखना। उनको ये तक नहीं पता था कि उन्होंने 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। उनको क्या लगता था? भगत सिंह पिस्तौल लेके बस खड़ा रहता था गोली मारने। वो हमेशा सोशल इक्वालिटी चाहते थे।
वो हमेशा सेक्युलरिज्म चाहते थे। टीवी पे भी लोग टॉक्सिक डिबेट्स देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ देखना देख रहे हैं। पॉलिटिकल लीनिंग क्या हो गई है, एक भक्त है, एक सेक्युलर है, एक लिपटार्ड है, एक ये है और एक वो है, कोई एक नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ख़त्म करना चाहूँगा कि भगत सिंह से आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी, आप जाइए और पढ़िए। बिकॉज आई फील वेरी सैड कि लोग भगत सिंह को जानते ही नहीं। आज के यूथ को जितनी ज़रूरत है ना भगत सिंह की, उतनी किसी जनरेशन को नहीं है। आज का यूथ इज़ गोइंग डाउन द लाइन और फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर हम आज नहीं सीखे। गो एंड रीड दैट बुक, रीड इट अगेन एंड अगेन। जब तक आप कुछ सीख नहीं जाते, जब तक आप सीखना नहीं सीखते, जब तक आप क्रिटिसिज्म नहीं सीखते, जब तक आप चीज़ें नहीं सीखते जो आपको सीखनी चाहिए, जो आज के यूथ को सीखनी चाहिए, तब तक वो किताब पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। दिस इज़ पाठक, इनकलाब जिंदाबाद।